अच्छा सुनो, आप इतनी दूर आए हो तो घर भी चल लो। घर? और मैं क्यों जाऊं घर? मैं ना अपना टाइम खराब करके ना तेरे को यहाँ लेकर आया हूँ। और जो तुझे राखी वाखी बांधनी है ना, यहीं पर बांध लियो। इतना फालतू टाइम है क्या मेरे पास तेरे साथ तेरे घर चलूंगा? और काम नहीं है क्या तेरे चक्कर में अपने बहुत से गालियाँ खा लूँ? यहाँ पे शुक्र कर कि तेरा रक्षाबंधन मनवाने लेके आ गया मैं, नहीं तो घर पे ही बनता तेरा रक्षाबंधन। पर यहाँ तक आए और घर भी नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा घर वालों को। अरे यार बुरा अच्छा ना मुझे नहीं पता, यहाँ मैं अपना टाइम खराब करके आया हूँ। बुरा रक्षाबंधन नहीं होता ना तो तेरे को लेके भी नहीं आता। यहीं पर अपने भाई को बुला, यहीं पर राखी बांध और चल मेरे साथ। क्या ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा यहाँ आ गए और घर नहीं गई तो? देख मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, अपने भाई के पास जा, राखी बंधवा और आ जा। घर छोड़ दूंगा तेरे को, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। अब देख क्या रही है, जाना जल्दी हो क्या? अरे क्या यार मैंने इतना लेट कर दिया, तूने देर से खड़ा हो यहाँ। मैं मुझे माफ कर दे। चल रहा है कि बनवा। जीजू कहाँ है? वो कार में बैठे हुए हैं। बुला उनको। तेरे जीजा को ना काम है तो मेरे को उनके साथ जाना है। राखी छोड़ एक काम को, घर चल, मम्मी वेट कर रही है, आराम से वहाँ बैठ के खाएंगे तब राखी बांधेंगे। चल काम कर, तू राखी बनवा ले। अरे तो यहाँ क्यों राखी बांध दिया, स्कूटी चढ़ी है, चला घर चल रहे हैं। घर पे मम्मी सब वेट कर रहे हैं, घर पे चल के आराम से बैठ के खाएंगे। चला तो बात समझा कर, चल राखी बनवा ले चुपचाप। बांध ले यार बहन, फिर तू ले बांध। मैं बहुत खुश हूँ इस रक्षाबंधन में तुझसे मिल पाई। बट मैं तो नहीं हूँ ना, तू घर चलती हमारे साथ बैठती, सब मम्मी भी खुश होती, तू घर पे आई यार। कोई बात नहीं, मैं अगली बार जीजू से मैं बात कर लूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अगली बार आ जाऊंगी और बहुत टाइम बिताएंगे। चल बांध, चल ओके, चल मुबारक हो तेरे को। चलो नहीं तुम घर नहीं जा रही, एक काम करो अपने घर जाओ। क्यों क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं। तो आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है क्या? तो आप मुझे जाने को क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं यार तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई, एक काम करो तुम घर जाओ और अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ। मैं कुछ समझी नहीं, आप थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा कर रहे थे और अब जाने को कह रहे हो, पर बात क्या हुई है मुझे बताओ तो। अरे यार बात कुछ नहीं हुई, तुम्हें तो पता ही है कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है भाई बहन का त्योहार है। हेलो। हाँ भाई। हाँ बहन, कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। हाँ मैं भी बढ़िया। तू आ रही है ना इस रक्षाबंधन पे? नहीं भाई मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी। पर क्यों? मेरे ना ससुराल वाले मना कर रहे हैं। पर मना क्यों कर रहे हैं? उनको बताना कि रक्षाबंधन साल में एक बार तो आता है। चल छोड़ कोई बात नहीं, अगली बार तुझसे मिल लूंगी और घर वालों से भी। देख बहन एक काम करता हूँ, मैं ना जीजू से बात करता हूँ, तू एक मिनट रुक। देख कोई जरूरत नहीं है ना अपने जीजू से बात करने की, तुझे पता ही है यार काम कितना होता है। ठीक है चल, ठीक है बाद में बात करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन का फोन आया था और उसके ससुराल वाले ना उसको आने नहीं दे रहे। तो यार जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई वही सेम चीज़ मैंने रिलेट की, तो मुझे पता लगा कि यार कितना ज़्यादा बुरा लगता है कि जब इस दिन हम अपने बहन भाई से मिल नहीं पाते। और मैं क्या कर रहा था, मैं तो तुम्हें रोक रहा था, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि तुम जल्दी में मिल के आओ। और यार यही दिन तो एक बहन भाई का होता है, जिस दिन बहन भाई एक दूसरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहन अपने भाई को राखी बांधती है, घर में खुशियाँ होती है। और ऐसे टाइम पे मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ और तुम ऐसे मूड के साथ भी उसको राखी बांधने जा रही हो, तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। सॉरी यार, कई बार ना मैं गुस्से में तुम्हें बहुत गलत बोल देता हूँ। पर यार बाकी अब मुझे चीज़ें समझ आ गई है कि हाँ, कि जब चीज़ें खुद पर बीतती है ना तब समझ आता है। तो वो चीज़ मुझे समझ आ गई है, जब मेरे साथ खुद हुआ, मेरी बहन मुझसे नहीं मिलने आ पा रही, तो मुझे पता लग रहा है कि रक्षाबंधन की कीमत क्या है और बहन की कीमत क्या है। और तुम्हारे भाई ने भी तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशन लगाई होगी। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमारे पास भाई बहन है। आपको पता है इस त्यौहार का एक बहन बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास भाई बहन नहीं है, और उनसे पूछो इस त्यौहार की कीमत क्या है, वो कितना तरसते इस त्यौहार को मनाने के लिए। पर हर बहन इस त्यौहार में ये चाहती है कि उसका भाई उसके सामने हो, और बहनों को कोई गिफ्ट या पैसों का कोई लालच नहीं होता, ये चाहती है कि दो पल अपने भाई के साथ अपना बचपन जिए और मस्ती करें। हम सच में बहुत खुश नसीब हैं कि हम ये त्यौहार मना पा रहे हैं। और शायद इस बार ऐसा मेरे लिए इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा तो भगवान ने मुझे रियलाइज़ करवाया, तो ये चीज़ मुझे अब अच्छे से समझ आ गई है। और हाँ अब जब अगली बार रक्षाबंधन होगा ना, तुम ना
दो दिन पहले अपने घर चले जाना। ऐसे हर हस्बैंड को ना अपनी वाइफ की बातें समझनी चाहिए जैसे आपने मुझे समझा। और थैंक यू सो मच, भले देर से सही बट आपने मुझे समझा। तो चलो ठीक है, तुमने अपने भाई को राखी बांध तो दी है, अब एक काम करते हैं, पास के मॉल से ना तुम्हारे भाई के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं और मैं भी घर चलता हूँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे गया नहीं तो घर वाले नाराज नहीं हो जाएंगे कि दामाद जी इतनी दूर आए और घर भी नहीं आए। तो एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ, आज की चाय ससुराल में पीऊँगा।